हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नैनीताल रोड में सड़क चौड़ीकरण का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यूपीसीएल से विद्युत की लाइन और पोल जल्द हटाने के निर्देश दिए ताकि सड़क चौड़ीकरण कार्य में तेजी लाई जा सके। इसके अलावा उन्होंने नैनीताल रोड के सौंदर्यीकरण के लिए दोनों तरफ सरकारी भवनों की दीवारों में बेलदार पुष्प लगाए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि उद्यान विभाग द्वारा कहा गया था कि सभी विभागों के कार्यालय में बेलदार पुष्प लगा दिए गए हैं, जबकि ऐसा नहीं पाया गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं प्रोग्रेस देख रहा था, कुछ अभी दिक्कतें इसमें हैं, विशेषकर यूपीसीएल के जो तार हैं उनकी ओर से। ब्यूटिफिकेशन का काम है, वो चल रहा है, उसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। अब मैं मेनली ये देखने आया था कि जो पूर्व में एक निर्देश दिए थे, जो प्राधिकरण यहाँ पे एक पहल कर रहा है जिसमें कि अच्छे हमारे क्रीपर्स, अच्छे बेलदार पौधे यहाँ पे लगे, जिसमें कि सड़क के दोनों ओर फूल दिखाई दें, उसकी प्रोग्रेस देखने आया था। उसमें आपका जो सरस मार्केट है, स्टेडियम है, SDM ऑफिस है, कॉपरेटिव का ऑफिस है, नगर आयुक्त का दफ्तर है और इसके अलावा जल संस्थान, इसमें प्रोग्रेस हुई है। बीच में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने मुझे कहा था कि अब कोई कार्यालय नहीं बचे, ये बात सही नहीं निकली और बहुत सी जगह भी ऐसी हैं जहाँ पे हम ये लगा सकते हैं। मैं विशेष अपील आपके माध्यम से ये करना चाह रहा हूँ कि नैनीताल रोड पे जिनके भी अपने प्राइवेट घर हैं या अपनी शॉप्स हैं, उसमें से जो लोग भी अपनी स्पेस हमको देना चाहते हैं अंदर, उसमें भी हम निःशुल्क पौधे लगाएंगे। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं वो प्राधिकरण ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं और उनकी लैंड में पौधे हम लगा देंगे एक बार, उसके बाद वो देखरेख कर सकते हैं। हमारा शहर है तो इसको सुंदर बनाना हम सबका काम।